बनाएंगे पेपर डोसा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। नमस्कार, किचन की ABCD में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पेपर डोसा बनाने के लिए मुझे चाहिए दाल और चावल। यहाँ पे मैंने सफ़ेद उड़द की दाल यूज़ की है और मोटे वाले चावल यूज़ किए हैं। साथ में डाला है 1/4 स्पून मेथी दाना। इन दोनों को मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था। अब मैं इन्हें ग्राइंड करूँगी अलग अलग। सबसे पहले मैं अपनी दाल ग्राइंड करूँगी। ये देखिए, मैंने अपनी दाल ग्राइंड कर ली है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। हमें इसे एक थोड़े बड़े बाउल में निकालना है, क्योंकि ये फर्मेंट भी होगी तो ये फूलेगी, नहीं तो ये बाहर आ जाएगी बाउल से। इसलिए इसे थोड़े बड़े बर्तन में ही निकालना है। अब मैं अपने चावल भी ग्राइंड कर लूँगी सेम जार में। लेकिन चावल ग्राइंड करते हुए हमें पानी का ध्यान रखना है कि पानी बहुत कम डालना है, क्योंकि चावल अच्छे से ग्राइंड नहीं होते। इन्हें अच्छे से ग्राइंड करना है। अगर आप इन्हें सूखे ग्राइंड करोगे तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। अब देखिए, मेरे चावल ग्राइंड हो चुके हैं, तो मैं इसे भी अब उसी उड़द दाल वाले जो मेरा बर्तन था उसके साथ डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स करूंगी इन दोनों को। अब ये जो मिक्सचर है ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है इस टाइम पे, तो मैं इसमें अपना जो मैंने वो दाल और चावल सोख किए थे वो वाला पानी यूज़ करूंगी। इसे थोड़ा सा डाइल्यूट करूंगी। ये देखिए, मैं अपने जार में भी पानी डालूंगी, क्योंकि जार में भी काफ़ी सारा मटेरियल जो है वो चिपका हुआ है, तो इससे मेरा जार भी साफ़ हो जाएगा और पानी का यूज़ भी हो जाएगा। ये देखिए, मैंने अब पानी इसमें डाल दिया है और इसे अब हल्का सा डाइल्यूट करेंगे। इन दोनों को अच्छे से मिलाना है। इस समय पे हमें इस पे नमक नहीं डालना है, क्योंकि अगर नमक डालेंगे तो फर्मेंटेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। अब इसे मिला दिया है। अब हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए ऐसे ढक के रख देंगे। 4 और 5 घंटे बाद हम इसे अब चेक करेंगे। देखिए, 5 घंटे हो चुके हैं, अब मैं इसे चेक कर रही हूँ तो ये अच्छे से फर्मेंट हो चुकी है। इसमें काफ़ी सारे एयर बबल्स आ गए हैं, तो इस टाइम पे मैं इसमें अब नमक डालूंगी और इसे अच्छे से मिला लूंगी। अब देखिए, मैंने एक तवा लिया है, उसे मैंने पहले ही ग्रीस कर लिया है थोड़े से ऑयल से। अब मैं इसमें 1.5 करछी डालूंगी अपना बैटर जो है, और उसे अच्छे से गीली कटोरी से अच्छे से फैला लूंगी। मैंने कटोरी यूज़ करने से पहले पानी में इसे गीला कर लिया था इसके तले को, और उसके बाद मैं इसे अपने डोसे को इससे फैला रही हूँ। ये देखिए, अब डोसा हल्का सा ऊपर से सूख रहा है, ये पक रहा है, मतलब ये अच्छे से कुक हो रहा है। तो इस समय हम इसमें अब थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, अदरवाइज़ जो डोसा है वो फट जाएगा। देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। अब 5 से 10 सेकंड तक अब हम इसे इस साइड पे कुक करेंगे और उसके बाद इसे पलट लेंगे। बात का ध्यान रखना है, जब हम डोसा डालेंगे तवे पे तो तवा जो है बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए। और जब हम डोसा डालेंगे तो हमें सिम गैस रखनी है, बिल्कुल लो फ्लेम मीन्स। और जब हम डाल बैठेंगे तो उसके बाद हमें इसे फुल फ्लेम में पकाना है। इसे जो कुक करेंगे फुल फ्लेम में करेंगे, और जब इसे तवे में डालेंगे तो बिल्कुल लो फ्लेम में करेंगे। फ्लेम जो है वो पहले ही हाई रखेंगे, तो उससे क्या होगा, जो जब हम बैटर डालेंगे तो वो अच्छे से फैलेगा नहीं तवे में, और वो चिपक जाएगा एक ही जगह पे। इसलिए पहले इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे, और बिल्कुल जो गुनगुना सा तवा होता है, ठंडा सा तवा, उसमें ही अपना बैटर डालेंगे। ये इसका मेन टिप है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए, हमारा डोसा कितना गोल्डन ब्राउन लग रहा है, ये बिल्कुल क्रिस्पी है। जब हम अपना दूसरा डोसा डालेंगे तो उससे पहले हम अपने तवे को पानी के छींटों से अच्छे से गीला करेंगे और किचन टॉवल की हेल्प से इसे साफ़ कर लेंगे, क्यों इससे हमारा जो तवा है वो फिर से ठंडा हो जाएगा दूसरा वो डोसा डालने के लिए। अभी मैंने इसकी गैस जो है फ्लेम वो बिल्कुल सिम रखी है। देखिए, अब मैं इसे इस तरह से फैलाऊंगी। दूसरा मेथड है, अगर आपसे कटोरी की मदद से ये नहीं चल रहा है तो आप इसे इस तरह से तवे को टेढ़ा करके और अपनी करछी से भी इसे अच्छे से फैला सकते हैं पूरे तवे में। देखिए, ये ऐसे भी अच्छे से फैल जाता है। अब देखिए, हमारा जो ये है डोसा है ये अब कुक हो चुका है, ये ऊपर से सूख रहा है, तो इस टाइम पर मैं इस पर लगाऊँगी ऑयल। देखिए, मैंने इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अब मैं इसे 10 से 15 सेकंड के लिए ऐसे ही कुक होने दूंगी। अगर आपको इसे पलटना है तो आपको इसे जल्दी से ही
थोड़ा थोड़े टाइम के लिए कुक करना है। अगर आप इसे ऐसे ही एक ही साइड पकाना चाहते हो तो इस टाइम पे इसे हमें ज़्यादा देर के लिए कुक करना है। तो देखिए, इस बार हम इसे जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था वैसे नहीं करेंगे और इसे हम एक ही साइड पे कुक करेंगे। तो इसे हम 30 से 35 सेकंड के लिए तेल लगाने के बाद, ऑयल लगाने के बाद ऐसे ही फुल फ्लेम में हम इसे कुक करेंगे, एक ही साइड कुक करेंगे हम इसे। देखिए, ये देखिए, अब हमारे डोसे ने साइड्स छोड़ना स्टार्ट कर दिए, आप देख सकते हैं। देखिए, डोसे की यही पहचान होती है, जब वो कुक हो जाता है तो अपनी जो साइड वो छोड़ देता है और तवे से हल्का हल्का अलग होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा डोसा जो है वो कुक हो चुका है। देखिए, हमारा डोसा कितना क्रिस्पी बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।